तो हेलो एवरीवन, कैसे फ्रूट मैंने कलेक्ट किया है इसको भी मैंने पढ़ी। जब वो ड्री फ्रूट किसी जंगल में एक पेड़ होता है बड़ा सा, और वो पेड़ तू मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ और काफी हल्का है यार, पर ये इतना भारी नहीं है, काफी हल्का। जंगल सफारी में आप सबका स्वागत। ये कितना बड़ा ड्री फ्रूट है ये तो। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब यार। तो आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं डीप फ्रूट कहाँ से कलेक्ट करके लाता हूँ। जब भी मुझे एक रिपोर्ट लगती है कि डीप फ्रूट की जरूरत है तो मैं कहाँ से कलेक्ट करके लाता हूँ। आज मैं आपको वो जगह पर लेकर जाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप एक सही डीप फ्रूट किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पीछे देख लो, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में ऑलरेडी काफ़ी सारे डीप फ्रूट है। तो अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो ही मैं लेके आऊँगा, नहीं तो मैं वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि डीप फ्रूट किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और उसको किस तरह से प्रोसेस करना है। तो उससे पहले मेरा कलेक्शन मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो ये डीप फ्रूट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट। जैसे कि इस टाइप के डीप फ्रूट हो गए, जो कुछ इस टाइप के होते हैं, जिसको हम कुछ इस प्लांट में या फिर कुछ इस तरह से स्टोन पर ला के यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है। उसी तरह से कुछ और दिखाता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये भी एक डीप फ्रूट है जो ब्लैक वाटर बिजली टैंक में हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ऐसा पीस है। जैसे ये एक वुड हो गया, इसके साथ ही साथ में कुछ इस टाइप के जो वुड पीछे हमको मिलते हैं, जो स्टोव लगाए हुए अक्सर ऐसे पीछे सिर्फ मार्केट में ही देखने के लिए मिलते हैं। और कई लोग का ये भी क्वेश्चन रहता होगा कि ऐसे तो सिर्फ मार्केट में ही बिकते हैं तो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। कुछ थोड़ी सी हमको जानकारी होनी चाहिए कि डीप फ्रूट को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और हम भी डीप फ्रूट कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखे है, जैसे कि ये भी देख सकते हैं, और जैसे कि ये एक पीस पड़ा है। कोई भी डीप फ्रूट ख़राब नहीं होता है, बस हमको उसको प्रिपेयर करना आना चाहिए कि हमको हमके टैंक में किस तरह से यूज़ करना है। बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं उसका, चाहे तो हम उसको स्टोन पर अटैच करके कुछ बना सकते हैं या कुछ भी। मैं छोटे छोटे डीप फ्रूट भी मेरे पास अगर होते हैं तो मैं उनको भी रख लेता हूँ। ये देख सकते यार, मार्केट में भी इसी तरह के मिल जाते हैं। और जब मार्केट में इसी तरह के मिलते हैं तो मैं ज़्यादा परचेस करता नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे कलेक्ट कर रखा है। तुम जैसे इंटरेस्ट आपको डीप फ्रूट दिखाता हूँ यार, देखो ये एक बड़ा सा डीप फ्रूट मैंने कलेक्ट किया है। इसको भी मैंने परचेस नहीं किया, कलेक्ट करके अच्छे से लाया है। तो आज मैं इसी तरह के डीप फ्रूट आपको दिखाने वाला हूँ कि इस तरह से जहाँ से मैं लाता हूँ आप कहाँ से ला सकते हो। तो इसके साथ साथ में मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग डीप फ्रूट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पहले। जैसे कि ये देख सकते यार, जैसे कि ये देखो कुछ इस टाइप का ये डीप फ्रूट, अगर इसमें अनुबेस डाले या कुछ डाले, इसको मैंने लेके आया है। और आज यही आप देखोगे कि मैंने इसको कहाँ से लाया था। देखो यार, काफ़ी सारे मैं डीप फ्रूट कलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी इसके साथ में हम कुछ इस टाइप के इंटरेस्टिंग डीप फ्रूट्स को ला सकते हैं। सो आप भी इसको कलेक्ट कर सकते हो। और मैं लास्ट आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो देख सकते हैं इसको। तो यार मैंने काफ़ी सारे जो कहा ना आपको पहले कि मैं डीप फ्रूट पहले परचेस नहीं करता हूँ, मैं उसको परचेस नहीं करता हूँ, मैं उसको लेके आ जाता हूँ जहाँ भी मुझे मिल जाते हैं इंटरेस्टिंग सा कुछ डीप फ्रूट्स। सो काफ़ी मुझे वहाँ से मिल जाते तो मैं ले लेता हूँ। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ से लेता हूँ और आप कैसे ले सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि पूरा प्रोसेस आपको अगर देखना है अच्छे से कि कहाँ से मिल जाते इतने अच्छे अच्छे डीप फ्रूट जैसे मैं कलेक्ट करता हूँ, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखो। वीडियो में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। कुछ हम थोड़ा सा दूर जाएंगे इसको कलेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा मेरे घर से दूर है तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से इसको कलेक्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं, और मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताते रहूँगा। तो चलो मिलते हैं। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि डीप फ्रूट का असल में मतलब होता क्या है। डीप फ्रूट फ्रूट नहीं, ये वुड है। डीप फ्रूट ड्रिफ का मतलब होता है जो पानी में फ्लोट करता है, और वुड का मतलब तो लकड़ी होती है। तो डीप फ्रूट को किस तरह से बनाया जाता है उसका भी एक कहानी, एक प्रोसेस है। तो पहले उसको समझ लो, उसकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जब वो डीप फ्रूट किसी जंगल में एक पेड़ होता है बड़ा सा, और वो पेड़ टूट जाता है, और टूटने के बाद जब वो गिरता है तो किसी रिवर में गिरता है या फिर कुछ वहाँ के जो पास पास में कुछ जो नदियाँ होती होंगी वहाँ गिरता होगा, और वहाँ से वो बहते 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 जाता है। उसके बाद में जो वो डीप फ्रूट होता है उसमें से कई सारे होते हैं जो वहीं पर अटक जाते हैं तो वो वहीं रह जाते हैं, और उसमें से कुछ ही जो होते हैं जो रिवर्स में जो समुद्र में पहुँच जाते हैं। और समुद्र में बेसिकली नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, तो वहाँ पे वो कई सालों कई महीनों या फिर कई ईयर्स तक वहीं रहते हैं, पड़े रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से वो जो भी उनमें रहता है
जो जीवन की जो संभावना जो उसमें उड़ के रहती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है धूप में, चीजें सूख जाने के कारण वो एक अच्छा सा डीप फ्रूट मिल जाता है हमको, जिसको हम बोलते हैं डीप फ्रूट, डीप फूड। तो कमाल का हमको डीप फूड मिल जाता है उस चीज की वजह से, क्योंकि वो समुद्र में रहने वजह से काफी टाइम उसको हो जाता है, सिंक भी हो जाता है, तो हमको एक कमाल का डीप फ्रूट मिल जाता है उस कारण से। तो यार इसका एक कमाल का जर्नी होता है, और जो हम जो कलेक्ट करके लाते हैं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं और हम वहां से हमको लकड़ी दिखती है और हम उसको ला लेते हैं, फिर वो टैनी रिलीज करता है, और टैनी रिलीज करने के साथ साथ में ही उसमें व्हाइट कलर की फंगी, ब्लैक कलर की फंगी आती है। तो उसका एक मेजरली कारण ये है कि वो जो समुद्र में जो रूट्स रहते हैं वो अच्छी से सिंक हो चुके हैं, कई सालों से वो अपना टैनी वो सब छोड़ के उसमें कई सारे फिशेज को निबलिंग करती है, उसमें झींगा उंगा बहुत सारे समुद्र में जीव जो रहते हैं उसको खाते भी है, तो उसका ऊपर का पोर्शन तो निकल जाता है, और कई साल से समुद्र में होने के कारण वो अच्छी से सूख जाता है, और नमक का पानी उसे वो अच्छा सा एक डीप फूड बन जाता है। पर जो हम लेके आते हैं असल में वो जंगल का रहता है, और जंगल में मॉइस होता है, तो मॉइस होने के कारण एक चीज हो जाती है कि वो मॉइस्चर जो उसको पकड़ता है उसमें वो अच्छी से वो सूख नहीं पाता उस तरह से, और वो जो हम लकड़ियाँ लेके आते हैं ना तो उसमें टैनी हो जाता है, हम उसको गर्म पानी में डालते हैं, उसको वॉश कर लेते हैं, फिर भी टैनी आ ही जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें वाइट एलर्जी ये सब इश्यू देखने को मिलता है, जिसको हम क्लीन करके इजिली निकाल सकते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिकली इतना मैंने आपको बता दिया कि एक अच्छी खासी डीप फ्रूट की कहाँ से जर्नी शुरू होती है। तो चलते एक डीप फ्रूट की जर्नी पे, हम वो कहाँ से मिल सकते हैं, एक अच्छी सी प्लेस पे जाएंगे तो काफी सारे डीप फ्रूट। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं उस प्लेस पे, मिलते हैं आपको वीडियो में। मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे लोकेशन है काफ़ी कमाल की लोकेशन है, पर धूप बहुत ज़्यादा यार आज यहाँ पे, देख सकते कमाल का लोकेशन है पूरा। यहाँ पे काफ़ी सारे डीप फ्रूट मिल जाते हैं, वैसे मैं यहाँ पे बहुत कमी चाहता हूँ, जब मुझे कुछ अच्छे टाइप के डीप फ्रूट चाहिए रहते हैं तभी मैं यहाँ पे आता हूँ, वरना मैं यहाँ पे उतनी आता नहीं हूँ। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से डीप फ्रूट मिल सके, जिसमें दिखा रहा हूँ। फिर चलते चलते एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा डीप फ्रूट मिला, देखो यार ये कितना प्यारा है, काफ़ी कमाल का है। इसको मैं शो से लेके जाऊँ, मेरे कुछ ना कुछ तो काम जरूर आएगा, इसलिए मैं इसको लेके जाऊँ। ये भले ही छोटा है पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग दिखने में, तो मैं इसको लेके ये कमाल की, काफ़ी कमाल की फिश है, देख सकते हैं इसको, अगर आपको दिख रहा होगा तो कमाल की फिश है। मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा टैग बनाऊँ, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे कमाल कमाल की फिश है। काफ़ी आगे चलते चलते देख लेते यार, काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पर, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा धूप है। चल रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग देखते हैं, आपको डीप फ्रूट दिखा पाता हूँ क्या मैं। ये काफी बड़ा सा डीप फ्रूट मुझे मिला, इसी यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये काफी बड़ा सा डीप फ्रूट है, जैसे स्टोन के कुछ ऐसा रखे, काफी बड़ा ही है, पर यहाँ पे जैसे इसका ऐसा या फिर कुछ ऐसे टाइप में रखे तो भी अपने हार्ट के में काफी अच्छा दिखेगा ये वुड। और भी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेम्स है जिनको लेके जा सकते हैं हम कमाल के स्टेम्स से। तो आगे चलते चलते यार मेरे पीछे देखो, पीछे देख के समझ आ सकते हो यहाँ पे कितने, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मिलते हैं, बहुत कमाल कमाल की जो ऐसे करके हुए वो वैली ऐसी गई है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। सो देखो यार, देखो देखो हो सकता है इसमें काफी सारी फिशेज भी हो, ये देखो यार प्यार का चारों तरफ सबूत निशानी प्यार की, पता नहीं किसका है, यहाँ पे भी है, लोग देखो कितना कलाकार है यार, पत्थरों में भी लिख देते हैं।
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खूबसूरत सी वैली देखो, चलते चलते हमको मिला एक और कमाल का ट्री फ्रूट। ये भी काफ़ी कमाल का है, हो सकता है इसको मैं लेके जाऊँ फिर आके, तो इसको मैं लेके जाऊँ। पर कमाल का ये भी देख सकते, कमाल का ये भी है। इसको फिलहाल यहीं रखते हैं और आगे चलते हैं, और उसका ही शायद ये एक और टुकड़ा होगा। अभी तो फिलहाल छोटे छोटे मिलते हैं, कुछ बड़े इतने मिलते हैं, काफ़ी सही दिख रहा है ये भी। चलो और आगे बढ़ते, ये भी हो सकता है एक डे फ्रूट, बाकी इसमें कांटे बहुत है तो इसको यूज़ मैं नहीं कर सकता। और ये पेड़ देखो यार, किसी खूबसूरती देखो इस पेड़ की, काफ़ी कम ऑफिस ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे बैठा हुआ है। जब मैं पहली बार मुझे कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। देखो यार, चलो अगर उसको ब्लैक वाटर फ्री में ऐसा रखिए, या फिर पाइप के टैंक में, या फिर छोटे टैंक में भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से बना के। काफ़ी अच्छा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे काफी स्टोर मिल जाते हैं डी फ्रूट, इसको बस बॉईल करना है आपको। इसको घर लेके एक बार अच्छे से पानी में बॉईल कर लीजिए, उसके बाद में आप चाहे उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल सकते हो, या फिर कुछ भी जैसा आपको लगता होगा। गर्म पानी में अच्छे से वॉश करने बाद में एक बार ठंडे पानी में वॉश करके इसको फिर आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, सोप कर सकते हो। अगर ये हल्का है तो फ्लोट करेगा। सो अभी इसको फिलहाल इसको ऐसे ही चलने देते हैं। तो यहाँ पे मुझे इनकी अभी जरूरत नहीं है कि घर में बहुत सारे पड़े, मेरे घर में मैं दिखाता हूँ कितने सारे पड़े। चल आ जाओ पीछे पीछे। चल ये निकल सकता हूँ, निकल गया, पर मैं फिलहाल श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको लेके जाऊँ। वैसे आप इसमें चेक कर लेना, इसमें काफी सारे कीड़े भी होंगे, तो अगर कीड़े होंगे तो पहले उनको निकाल लेना, क्योंकि इसमें काफी सारे अलग अलग टाइप के कीड़े होंगे। देखो कुछ इस टाइप का ये वुड है, जिसे ऊपर दिखो, काफी हल्का है यार, पर ये इतना भारी नहीं है, काफी हल्का है ये, इतना ही शेप है ये। देखो चाहे उसको ऐसा रख लो या फिर अपने हिसाब से इसको सह सकते, बस इतने के इसमें कीड़े बहुत है, देख सकते। तो इसको छोड़ते हैं और बढ़ते आगे। चलो जंगल सफारी में आप सबका स्वागत, आगे बढ़ते रहो, वहां भी रुको, आगे बढ़ो, वहां रुको, वही रुको। डी फ्रूट देखो, इतने सारे यहाँ पे डी फ्रूट मैं दिखाने में परेशान रहूंगा और फिर भी शायद खत्म नहीं। यहाँ पे इतने सारे मैं बता नहीं सकता यहाँ पे कितने सारे हैं। उसके बाद में कुछ हमको मिला इस तरह से इंटरेस्टिंग का डी फ्रूट। यहाँ पे एक और बड़ा सा डी फ्रूट है, बस सोखिए सोखिए, यहाँ दिखाओ कैमरा में, फोकस करो यहाँ पे, कम ऑन कैमरा में फोकस करो, यहाँ पे यहाँ फोकस करो, देखो ऐसा दिखाओ बड़ा सा ऐसा। तो यार देखो यार काफी यहाँ पे देख सकते, एक वहाँ पे भी है, काफी मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है इसको देखने में। पर हाँ ये दीमकों ने खाया हुआ खत्म डी फ्रूट है, आगे बढ़ते चलो। ये देखो यार थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा और पास में को फोकस करो, अच्छे से दिखाओ, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला पीस। ये देखो अगर हम इसको ऐसा रखें या कुछ ऐसा रखें, एक स्केप में रखें, यहाँ पे कुछ अनुबियस या कुछ प्लांट डाल के, यहाँ पे जामफल डाल के कुछ एक अच्छा सा एक्वास्केप बना सकते हैं कमाल से। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं लेके जाऊँ। इसको देखो, निहार लो उसको अच्छे से, आओ कैमरा मैन यहाँ पे आओ, इसको दिखाओ, इसको अच्छे से निहार लो, देख सकते हैं इसको अच्छे से देखो यार। ऐसा लग रहा है कि चीटियों ने, असल में इसको दीमकों ने ऐसा बनाया है, पर काफी अच्छा बनाया है, एक नेचर सा थोड़ा सा। ये भी यहाँ देखो यार, काफी सारे पड़े, अरे यार मैं तो इनको देख डर गया, मुझे लगा सांप है, पर ये सांप नहीं थे। और इसी से चलते हुए देखो यार, यहाँ पे चलते चलते चलते, जैसे कि ये देखो यार, ये काफी कमाल का ये वुड पीस देखो यार, कम सही दिख रहा है इसके जड़ का वुड पीस है, और देख सकते कितने सारे और कमाल का है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये मेरे ख्याल से कम यार 12 फीट तक का एक ये कितना बड़ा डिस्क है। तो इसको उठाने के लिए तो मुझे क्रेन की जरूरत पड़ेगी, बड़ी वाली क्रेन की, क्रेन से बांध के लेके जाना पड़ेगा और मेरे को 12 फीट का एक्वेरियम रखना पड़ेगा इतना बड़ा। हो सकता है यार फ्यूचर्स में जब हमारा चैनल बड़ा हो जाए तब हम शायद इतना बड़ा भी टैंक सेटअप करें, पर फिलहाल यार अभी तो मैं उसको लेके भी जाने वाला नहीं हूँ। इतना बड़ा रखो काफी ज्यादा, देखो सही, देखो सोचो यार मेरे पूरे खड़ों में देखो यार कितना बड़ा सा ये कहाँ रखूंगा इसको मैं। इसको छोड़ो आगे बढ़ते, मेरी लकड़ी रुक गई, इसको ले लेता हूँ मुझे अच्छा लगा। चलो वजन है यार काफी सही से काफी कमाल का यार, देख सकते हो काफी कमाल का डिफ्रूट है। कैमरा मैन थोड़ा यहाँ फोकस करी था, कैमरा मैन मेरा नया है तो कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, कैमरा मैन को कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ देखो टूट गया, वैसे फिर भी ठीक है, काफी कमाल की तरह दिख रहा है, देख सकते हैं काफी कमाल की आ रही है। सो होप गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, वैसे आज की वीडियो में इतना ही था और ये मुझे लगता है ये एक सही लोकेशन है वीडियो को एंड करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मुझे आपको जितना डिफ्रूट के बारे में बताना था मैं सब बता चुका हूँ, मैं दिखा भी चुका हूँ डिफ्रूट कहाँ से लाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और आपको फिर बाय बाय, सी यू। बस मैं वापस जा रहा हूँ, हो गए मैं वापस जा रहा हूँ, मैं आपको जो दिखाना आ रहा था मैं दिखा चुका हूँ। सो यार एक ही बात बोलना चाहूँगा कि नेचर में आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाती है, काफ़ी कमा कमा के डिफ्रूट मिलते हैं, बस मेरा बोलना इतना है कि आप इन चीज़ को वेस्ट मत करो, आप उतना ही लेके जाओ नेचर से जितना आपको काम है, चाहे प्लांट्स हो गए चाहे डी फ्रूट्स हो गए या कुछ भी, आप उतने लेके जाओ जितना आपको ज़रूरत है या काम है। आप कई सारे लेके चले जाओगे और उसको फिर फेंक दोगे यार तो वो मत क्या करो, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ वापस, तो यहाँ से हम वीडियो एंड कर चुके हैं। सो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, टाटा बाय बाय सी यू, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको, टाटा बाय बाय सी यू। Through the wastelands, through the highways.